हेलो दोस्तों, मैं अंकुर अग्रवाल ओपी मार्बल से आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं वो हम नेचुरल ग्रेनाइट पे नहीं है। आज हम एक टाइल आती है मुरवी से जो 15 mm थिकनेस में आती है और उसकी लेंथ जो आती है 94 इंच आती है, विड्थ इसकी 31 इंच आती है। वो आज हम उसको दिखाने जा रहे हैं। हम इसमें आपको दो कलर दिखा रहे हैं, व्हाइट और ब्लैक, जो कि एवरग्रीन कलर है। उसको आप अपने बाथरूम में, अपने स्टेयर्स के राइजर में या आपके पिलर्स पे यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरिंग में भी ठीक है, अगर आप टाइल्स में देख रहे हैं तो इसको लगा सकते हैं। बाकी हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको नेचुरल आइटम की तरफ ही जाना चाहिए। टाइल्स को अगर हम कंपेयर करें ग्रेनाइट से, जो ड्यूरेबल कम रहती है, स्ट्रेंथ वाइज उससे वीक रहता है। और टाइल्स का ठीक है, आपको पैटर्न्स बहुत मिल जाएंगे, यूनिक पैटर्न्स मिल जाएंगे इटालियन में, बट जो अगर कलर हम देख रहे हैं ग्रेनाइट में, वैसे कलर्स आपको टाइल्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं नैनो वाइट और उसको कहते हैं हम नैनो ब्लैक। ओरिजिनल में ये नैनो वाइट नहीं है, ये पोर्सलिन टाइल्स है। ओरिजिनल जो नैनो वाइट आते हैं हम वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। वो चाइना से आता है, वो भी मैन्युफैक्चर आइटम है, ये भी मैन्युफैक्चर आइटम है। बट इसके आप थिकनेस देखिए, 15 mm थिकनेस में है। इसमें जो ऊपर जैसे टाइल्स में 1 mm की लेयर आती है, केवल वही है। बाकी नैनो वाइट में पूरा 18 mm थिकनेस आती है और वो पूरा स्लैब पूरे में पाउडर रहता है। उसको आप मोल्डिंग भी कर सकते हैं, पॉलिश भी कर सकते हैं। ये दोनों जो कलर है, ये टाइल्स है, ये बेसिकली आप बाथरूम के वॉल्स पे, फ्लोर पे या आपके स्टेयर्स के राइजर पे यूज़ ले सकते हैं। इनको आप मोल्डिंग नहीं कर सकते हैं, ना इनको आप पॉलिश कर सकते हैं। ये वन टाइम यूज़ वाले प्रोडक्ट्स हैं। इनको आप चाहें 10 साल बाद हम इसको पॉलिश करना, तो इसको पॉलिश नहीं कर सकते हैं। जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे मार्बल है, इम्पोर्टेड है, ग्रेनाइट है, वो वापस पॉलिशेबल है। आफ्टर 10 ईयर्स आपको लग रहा है उसकी पॉलिश डल पड़ गई है, उसको हम रिपॉलिश कर सकते हैं। बाकी अगर हम टाइल्स में देखें, जिसमें अगर अपने को लंबी स्लैब्स चाहिए जाकि जिससे कि हमारे बाथरूम में जॉइंट्स कम से कम आए, तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर ध्यान में रखिए। इसकी जो लेंथ होने वाली है वो 94 इंचेस है और इसकी जो विड्थ है वो 31 इंच है। थिकनेस भी बहुत अच्छी है, 15 mm है। बाकी जो टाइल्स की थिकनेस आती है वो 8 to 10 mm आती है। इससे इसकी स्ट्रेंथ नो डाउट बहुत अच्छी हो जाती है बाकी टाइल्स से, बट हम ये कह सकते हैं कि ग्रेनाइट और मार्बल जितनी इसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। अगर हम बात करें कि इसकी कटिंग में कोई इशू है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आराम से इसको आप काट सकते हैं, इजीली है। नॉर्मल जैसे मार्बल ग्रेनाइट की ब्लेड से जो कटिंग होती है, उससे कटिंग हो जाएगी। जैसे हमने बताया कि इसको आप मोल्डिंग नहीं कर सकते, बाकी इसका जो ग्लेज है ये लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा। एसिड प्रूफ है, बाथरूम में आप लगाइए, इसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कई बार लोगों को रहता है कि यार, जैसे पुराने टाइम में चेक्स स्टाइल्स या चेस स्टाइल, अगर अपने को कुछ ब्लैक एंड व्हाइट करना है, हमारे को नेचुरल आइटम में इतना कुछ प्लेन नहीं मिल रहा, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसको आप आराम से कटिंग कर सकते हैं 1x1 में या 2x2, जो भी आपको साइज वॉल पे बनाना है या फ्लोर पे बनाना है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और सस्ता रेट में आपका काम हो जाएगा। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें, तो वाइट की जो प्राइस रेंज आती है वो अराउंड 80 rupees पर स्क्वायर फिट है। स्क्वायर फिट की रेट है, टाइल की नहीं है। एक टाइल में 20.67 स्क्वायर फिट है। ब्लैक की जो रेट है वो 90 rupees पर स्क्वायर फिट के आसपास रहेगी। सेम थिकनेस आएगी, सब स्लैब एक ही साइज़ के आएंगे, परफेक्ट टाइल्स है। जैसे हम देख रहे हैं तो वेल ड्रेस आती है, इसमें आपको एजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वेल एज्ड है। ये क्वांटिटी में अगर आपको चाहिए तो इजीली अवेलेबल है, आपको लोकल मार्केट्स में भी आपको इजीली मिल जाएगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा रेंज आती है, अराउंड 100+ इसमें कलर्स आते हैं, बट बेसिक जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होता है ब्लैक एंड वाइट में होता है। अब जैसे अगर आप स्टेप्स में चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी हम सजेस्ट नहीं करेंगे इस टाइल्स को आपको स्टेयर्स में लगाने के लिए। हाँ, केवल आप स्टेयर्स को इसको राइजर पे लगा सकते हैं ताकि ये टच ना हो। हाईली ड्यूरेबल है आपके राइजर के लिए, बाकी स्टेप के लिए सजेस्टेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात, कई लोग इसको अभी किचन टॉप में भी लगा रहे हैं। बाकी किचन टॉप में टाइल्स को नहीं लगाना चाहिए, जो ओरिजिनल नैनो वाइट आते हैं उसको आप लगा सकते हैं किचन काउंटर टॉप में। बाकी इसको आपको किचन काउंटर टॉप में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं है। ये चीज़ आपकी हीट एब्जॉर्ब में, और अगर कुछ जोर से आपने कुछ सामान रख दिया, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप देखें तो टाइल्स की स्टार्टिंग रेंज जो है वो बहुत कम से हो जाती है, 25-30 rupees से भी हो जाती है। बट हमारे को ये 80-90 rupees पे करने का एक ही रीज़न है कि हमारे को अगर हम बाथरूम में कम से कम जॉइंट्स आते हैं, तो आप इसको ज़रूर लगाइए। क्योंकि ज़्यादातर जो बाथरूम की वॉल्स की हाइट रहती है वो 7 feet तक ही लगता है, तो हमारा इसमें जो है एक पीस स्ट्रेट खड़ा हो सकता है। हॉरिजॉन्टली लगा सकते हैं, वर्टिकली लगा सकते हैं, तो जॉइंट्स कम से कम दिखेंगे। आप चाहें तो इस कॉम्बिनेशन पर भी लगा सकते हैं, पूरा वॉल आप ब्लैक ले सकते, फ्लोर वाइट ले सकते हैं, या पूरा वॉल आप वाइट लेके फ्लोर ब्लैक ले सकते हैं। बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, और इससे ज़्यादा प्योर वाइट और ब्लैक नेचुरल इस रेंज में कुछ भी नहीं आएगा।
प्योर ब्लैक की अगर बात करें नेचुरल ग्रेनाइट में जाने के लिए तो आपको 300+ रुपीज पे करना पड़ेगा, और व्हाइट का आप जानते हैं कि इसका प्राइस कुछ भी नहीं है, 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से चालू होता है प्योर व्हाइट अगर हम देखें तो, जिसमें भी कुछ ना कुछ आए बिना नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है इस टाइल्स में ये यूनिफॉर्म आएगी, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट भी लेते हैं 2000 स्क्वायर फीट भी लेते हैं तो पूरा सिमिलर आएगा, उसमें आपको कुछ भी वेरिएशन स्पॉट कुछ भी क्रैक वगैरह का टेंशन फ्री काम है। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो था नेचुरल आइटम को छोड़ के एक टाइल्स के ऊपर था, ये हमारे को नॉलेज देना जरूरी था क्योंकि इसकी भी हमारे पास इंक्वायरी आती थी कि हमारे को टाइल्स को किचन टॉप पे लगाना चाहिए या नहीं चाहिए या उसके क्या एप्लीकेशंस है, वो हमने आज आपको इसमें बताया, इसके हमने आपको प्राइस के बारे में बताया। अच्छी चीज़ है, अच्छा प्रोडक्ट है, बट ठीक है लिमिटेड जगह ही हम इसको सजेस्ट करेंगे आपके लिए लगाने के लिए। आपको अगर स्टेयर्स के लिए, फ्लोर के लिए, किचन टॉप के लिए देख रहे हैं तो आप जरूर नेचुरल आइटम में चाहिए, आर्टिफिशियल से थोड़ा दूर रहिए, इनको केवल बाथरूम में अप्लाई कीजिए या ऐसी जगह यूज लीजिए जो आपके अनटच या जैसे वॉल्स है या हाइलाइटर के तौर पे इनको ज़्यादातर आप यूज कीजिए। मैं अंकुर अग्रवाल, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7737931531, और हमारे को फॉलो कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोशल नेटवर्किंग जो पे हमारे पेजेज हैं उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।